लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। भारत पाकिस्तान के बीच वर्ष 1965 में 6 सितंबर को शुरू हुए युद्ध के 2 दिन बाद ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने सामरिक नजरिए से महत्वपूर्ण शहर जोधपुर पर रात में जोरदार हमला किया था। जोधपुर का नाम नक्शे से मिटाने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने लगातार 2 रात भीषण बमबारी की। कहा जाता है कि शहर पर 150 ज्यादा बम गिराए। खास बात है कि इनमें से रिहायशी इलाकों पर गिराए गए थे जो फटे ही नहीं। शहर के पुराने लोग अभी भी 1965 में पाकिस्तान की बमबारी को भूला नहीं पाए हैं। शहर के आसमान पर पाकिस्तानी विमानों का कब्जा हो गया था। पाकिस्तान के विमानों ने 2 दिन तक लगातार बम बरसाए। शहर के ऊपर करीब 150 बम गिराए गए। इनमें से सबसे भीषण हमला एयरबेस पर किया गया। एयरबेस के रनवे को थोड़ा नुकसान पहुंचा। एक बम जोधपुर जेल के एक हिस्से पर गिरा। इससे भारी नुकसान पहुंचा और 8 बंदी घायल हो गए। इसके अलावा शहरी सीमा में कोई बम नहीं फट पाया। हालांकि 2 दिन के भीतर ही भारतीय जवानों ने जोधपुर एयरबेस के रनवे को फिर से तैयार कर दिया और फिर यहां से उड़ान भर भारतीय फाइटर्स ने पाकिस्तान में जोरदार बमबारी की। जोधपुर एयरबेस देश के सबसे पुराने एयरबेस में से एक है। जोधपुर में पायलट्स को प्रशिक्षण दिया जाता था। आजादी से पूर्व देश के सभी पायलट्स यहीं पर प्रशिक्षण लेते थे। ऐसे में पाकिस्तान बनने के बाद एयरफोर्स के 2 हिस्से हो गए। पाकिस्तान एयरफोर्स के अधिकांश पायलट जोधपुर में प्रशिक्षण हासिल किए हुए थे। वे यहाँ के एयरबेस के साथ ही शहर के चपे चपे से अच्छी तरह से वाकिफ थे। इस कारण उन्होंने एयरबेस पर जोरदार हमला बोला। लेकिन खासियत की बात यह रही कि शहर के अन्य सामरिक महत्व के ठिकानों पर भी बम नहीं गिरा पाए। भीषण बमबारी करने के बाद उन्होंने मान लिया कि जोधपुर शहर अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है, लेकिन शहर पहले के समान खड़ा रहा। पाकिस्तानी पायलट्स लगातार निशाना चूकते रहे और उनके गिराए बम निर्जन स्थान पर रेतीले टीलों में जाकर गिरे। इनमें से कई बम फट भी नहीं पाए। जोधपुर के लोगों की मान्यता है कि मेहरानगढ़ फोर्ट में विराजित माँ चामुंडा ने पाकिस्तानी बमों से शहर के लोगों की रक्षा की। इतिहासकार मोहन लाल गुप्ता का कहना है कि युद्ध शुरू होने से पहले लोगों ने माँ चामुंडा के प्रतीक मेहंदी के हाथों के छापे अपने अपने मकानों के बाहर लगा लिए। इसके बाद युद्ध के दौरान भीषण बमबारी से भी जब शहर को नुकसान नहीं पहुँचा तो